आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार। दिल्ली में जुटे बीजेपी के ब्राह्मण नेता श्रीकांत शर्मा ने बताया मीटिंग में कई मुद्दों पे हुई बात। जम्मू कश्मीर के पुलवामा में सीआरपीएफ ने पुलिस पोस्ट पर आतंकियों ने फेंका ग्रेनेड, दो सुरक्षाकर्मी घायल। केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत बोले किसान नेताओं ने लिया यू टर्न, फायदे नुकसान का आकलन खुद करें। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा ब्रह्मोस इसलिए बना है ताकि कोई देश भारत की तरफ बुरी नजर उठाकर देखने की जरूरत ना करे। हिमाचल प्रदेश में ओमिक्रॉन का पहला मामला आया सामने, कनाडा से लौटी थी संक्रमित महिला। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ में श्वेता गर्ग और आप देख रहे हैं प्राइम टीवी। आइए नजर डालते हैं उत्तर प्रदेश की कुछ खास खबरों पर। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने लखनऊ में कानपुर रोड के पास ब्रह्मोस मिसाइल यूनिट का शिलान्यास किया। इसके साथ ही डीआरडीओ लैब का भी शिलान्यास भी रक्षा मंत्री ने किया। इस खास मौके पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ कार्यक्रम में मौजूद रहे। इस मौके पर डीआरडीओ प्रदर्शनी का भी आयोजन किया गया। ब्रह्मोस यूनिट के लिए यूपी सरकार ने मात्र 1 रुपए के लीज पर 80 हेक्टेयर से अधिक जमीन उपलब्ध कराई है। इस ऐतिहासिक पल के कई बड़े नेता भी साक्षी बने। इस शिलान्यास को लेकर किया जा रहा है जहां की यूनिट स्थापना और उत्पादन शुरू होने के बाद से तमाम लघु सूक्ष्म और बड़े उद्योगों को भी काम मिलेगा, लाखों रोजगार के अवसर निकलेंगे। जहां ब्रह्मोस मिसाइल के बारे में कहा जाता है कि यह दुनिया की सबसे खतरनाक मिसाइल है जिसे कहीं से भी छोड़ा जा सकता है। वहीं इस मौके पर सीएम योगी ने कहा कि भारत ने दुनिया को हमेशा मैत्री और करुणा का संदेश दिया है, लेकिन हमारी मैत्री, करुणा और शांति का संदेश मानवता के कल्याण को ध्यान में रखकर है। आज हमारे यहाँ लखनऊ में एक डीआरडीओ की जो नई लैब बन रही है उसकी आधारशिला रखी जा रही है। इसके अलावा ब्रह्मोस के लिए भी यहाँ पे जमीन आवंटित की गई है, तो वहाँ पे ब्रह्मोस मिसाइल का संस्करण बनेगा। इसके अलावा आज हमारे यहाँ एग्जीबिशन लगाई गई है जिसमें DMSRDC कानपुर, ADRDC आगरा, ब्रह्मोस, ARDC पुणे आदि लैबों ने इसमें पार्टिसिपेट किया है। DMSRDC कानपुर द्वारा विकसित कई उत्पाद यहाँ पे प्रदर्शित किए गए हैं, जैसे बुलेट प्रूफ जैकेट है और बूट एंटी माइन है। इसके अलावा सियाचिन में जहाँ टेम्परेचर -50 डिग्री रहता है वहाँ के लिए हमारे DMSRDC कानपुर ने कई तरह के कपड़े विकसित किए हैं जो कि सैनिकों को -50 डिग्री सेंटीग्रेड पर बचाव करते हैं। इसके अलावा NBC सूट जो है जो न्यूक्लियर बायोलॉजिकल और केमिकल वारफेयर से हमारे सैनिकों की रक्षा करता है वो भी डिस्प्लेड है यहाँ पे। और इस पर ADRDC आगरा ने जो प्रोडक्ट बनाए वो भी डिस्प्लेड हैं। ब्रह्मोस मिसाइल का ये जो आप देख रहे हैं ये मॉडल यहाँ पर लगाया गया है, तो इस प्रकार ये प्रदर्शनी लगाई गई है जो आप इधर लखनऊ में गुड़गांव में वी हैव गॉट द लैंड। हम इनफैक्ट हम नंबर वन प्लॉट नंबर वन यूपी डिफेंस कॉरिडोर के हिस्सेदार है और इधर ब्रह्मोस नेक्स्ट जनरेशन बनेगा, शुरू होगा इधर ही लखनऊ में। एंड अगर नंबर्स यूजर्स को चाहिए होगा फिर लखनऊ के बाहर हमारे दूसरे इंटीग्रेशन सेंटर्स में हो जाएगा, बट लखनऊ में इट इज गोइंग टू बी। रायबरेली में चुनाव के पहले आबकारी विभाग अलर्ट मोड में दिखाई दे रही है, जहां आबकारी विभाग ने की गांवों और जंगलों में ताबड़तोड़ छापेमारी की। छापेमारी में 60 लीटर अवैध कच्ची शराब बरामद की गई तो लगभग 10 क्विंटल महुआ लहन को नष्ट किया गया। छापेमारी के दौरान शराब बनाने में प्रयुक्त होने वाले उपकरणों और भट्टियों को भी तोड़ दिया गया है। आपको बता दें कि भदोखर थाना क्षेत्र के कपूलियन का पुरवा और आसपास के जंगलों में छापेमारी की गई है। अवैध रूप से कच्ची शराब बनाने वालों के खिलाफ प्रवर्तन की कार्रवाई के क्रम में आज हम लोग कवलियों के पुरवा में दबिश दिए। यहाँ पर मौके पर 2 लोग कच्ची शराब बनाते हुए पकड़े गए, 10 क्विंटल लहन पकड़ी गई है, 60 लीटर कच्ची शराब पाई गई पकड़ी गई।
जो लोग पकड़े गए हैं उनके खिलाफ धारा 62 के अंतर्गत कार्रवाई हम लोग कर रहे हैं। आगे ये अभियान चलाया जाता रहेगा। मौके पाई गई दो भट्टियां भी तोड़ी गई हैं और जो भी पकड़ा जाए। सहारनपुर के थाना देवबंद ग्राम तलहेड़ी बुजुर्ग के लोगों ने करीब 8,000 से अधिक ग्रामीणों के आवागमन की मुख्य सड़क न बनने पर वोट बहिष्कार करने की चेतावनी दी है। लोगों का कहना है कि सड़क पर पूरी तरह से करीब 100 से 150 मीटर तक तालाब बन चुकी है। ग्रामीणों का आरोप है कि कई बार ग्राम प्रधान को कहने के बाद भी वे लोग अपने विधानसभा क्षेत्र के विधायक और अन्य अधिकारियों को भी शिकायत कर चुके हैं, लेकिन आज तक उनके गांव से टूटे फूटे सड़क मार्ग पर और इससे भरे पानी की किसी ने आज तक कोई सुध नहीं ली। आगे ग्रामीणों ने यह भी कहा कि अगर यह सड़क 2022 के विधानसभा चुनाव से पहले नहीं बनाई गई तो हम लोग चुनाव का बहिष्कार करेंगे। इन कारणों के नेताओं की वजह से जो तो पानी की निकासी नहीं है, यहाँ पर जो यहाँ पर इतना पानी भर रहा है, पानी की निकासी नहीं है, निकासी नहीं करवा रहे पानी। पहले जिला पंचायत सदस्य को बोल कर देख लिया, विधायक को बोल कर देख लिया, ग्राम प्रधान के तो चलो भाई अंडर में नहीं आए। यहाँ पर कोई अधिकारी या नेता या विधायक कभी आते? कोई नहीं आता यहाँ, नहीं विधायक आज तक 5 साल हो गए, 5 साल पूरे होने वाले हुए, आज तक एंडकन देखे हमने क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। जो छोटे बच्चे हैं साइकिल से जाते हैं स्कूल में, वे बाई बार गिर कर वापसी घर लौट जाते हैं, सारे कपड़े गंदे हो जा। आप लोग क्या चाहते हैं? हम तो यही चाह रहे कि भाई रास्ता सुधर जा, इस पर सभी का आना जाना लह देखो। अच्छा, पूरे गांव का मेन रोड है। कुछ नहीं करा। खबर अलीगढ़ से है, जहां हमेशा अपने अलग अलग अंदाज में जनता का दिल अपनी ओर आकर्षित करने वाले भाजपा से इगलास विधानसभा के पूर्व विधायक व मौजूदा सांसद राजवीर दिलेर एक बार फिर सुर्खियों में आ गए हैं। भाजपा के सांसद राजवीर दिलेर का एक नया दिलेरी का काम देखने को मिला है। अलीगढ़ के भाजपा के सांसद राजवीर दिलेर की विशाल देवी जागरण के कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के तौर पर बुलाया गया। कार्यक्रम में आने के बाद सांसद चंद सेकंड बैठने के बाद ही कुर्सियों से खड़े उठे और कुर्सियों को हटाने का कमेटी लोगों से बोल दिया गया। सांसद राजवीर दिलेर का साफ तौर पर यह कहना था कि कार्यक्रम उनके सामने है तो ये उनको पता नहीं चला कि माँ का दरबार है या ईश्वर के सामने सभी लोग बराबर हैं। यह वही इगलास विधानसभा के लोग हैं जिन्होंने मुझे विधायक से लेकर सांसद तक का सफर कराया था। काफी लंबे समय बाद मौका मिला है कि इनके बीच जाकर मैं बैठ सकूं। ये सांसद जी का एक बहुत ही अच्छी पहल हमारे सामने आई थी। हमने सांसद जी के स्वागत के लिए कई फूलमाला का भी इंतजाम किया था। सांसद जी के लिए हमने कई कुर्सियां भी बिछाई थी, लेकिन सांसद जी ऐसे पहुंचे तो वो कुर्सियों पर तो बैठ गए थे, लेकिन फूलमाला उन्होंने मना कर दी कि माँ के दरबार में कोई स्वागत नहीं, किसी का स्वागत नहीं। लेकिन जब उन्हें पता चला कि जिस जगह वो बैठे हैं कुर्सियों पर वहीं पे माँ की चौकी सजाई गई है, तो उन्होंने तुरंत हमको आदेश दिया यहाँ से कुर्सियाँ हटाइए, हम भी जमीन पर ही बैठेंगे माँ के दरबार में। और इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ हमारे संवाददाता खालिक अंसारी फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। तो खालिक, का क्या कुछ जानकारी है, आखिर क्या कार्यक्रम था वहां पर और किस तरीके से सांसद ने अपनी बात को रखा है सबके सामने? देखिए सुनीता जी, मैं आपको बता दूं, ये विशाल देवी जागरण का कार्यक्रम था इगलास के साथी रोड पर। यहाँ मुख्य अतिथि के तौर पर सांसद राजवीर दिलेर जी को बुलाया गया था। वहाँ हमेशा अपनी कार्यशैली को लेकर जनता के बीच में एक अलग पहचान रखने वाले सांसद राजवीर दिलेर के द्वारा जब कार्यक्रम स्थल में पहुंचा गया तो वहां पर कुछ लोगों के द्वारा उनकी आदर सत्कार के लिए कुर्सी वगैरह रखी गई थी, मेज रखी हुई थी, लेकिन सांसद के द्वारा चंद सेकंड बैठने के बाद ही कुर्सियों को हटाने का आदेश दिया गया। उनके द्वारा साफ तौर पर यह कहा गया कि भव्य देवी जागरण है, ये ईश्वर के सामने सभी लोग एक समान बराबर है। कार्यकर्ताओं को जैसे ही इस बात की पता चली तो सभी लोग खुशी से झूम उठे। उनके द्वारा कहा गया, जिस तरीके से सांसद जी के द्वारा ये मामला जो बात कही गई है वो कहीं ना कहीं आम जनता के लिए काफी अच्छी बात है। जो सांसद भाई विधानसभा और लोकसभा में अब वो पहुंच चुके हैं, विधानसभा से लेकर लोकसभा का सफर उनके द्वारा किया गया है और आम जनता की तरह वो फर्श पर जमीन पर बैठे हुए नजर आए। सांसद के द्वारा जानकारी देते हुए बताया गया कि वो माँ के दरबार में अपना किसी भी तरह का स्वागत नहीं करवाएंगे, जिसके बाद जो कमेटी के लोगों द्वारा एक अलग जगह पर ले जाकर उनका स्वागत वगैरह भी किया था। जी, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ इस खबर पर जुड़ने के लिए।
बलरामपुर में दबंगों के हौसले बुलंद दिखाई दे रहे हैं, जहां बलरामपुर में ग्राम प्रधान की दिन दहाड़े गोली मारकर हत्या कर दी गई। अब ग्राम प्रधान की हत्या के बाद पुलिस पर सवालिया निशान खड़े किए जा रहे हैं। अज्ञात हमलावरों ने ग्राम प्रधान को मौत के घाट उतार दिया है, जहां मृतक प्रधान भाजपा का कार्यकर्ता भी बताया जा रहा है और प्रधान की हत्या के मामले में पुरानी रंजिश बताई जा रही है। और इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ हमारे संवाददाता अमित कुमार हमारे से फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। तो अमित, क्या कुछ जानकारी मिल पा रही है, आखिर क्या है पूरी घटना? जी, आपको बता दे रहा हूँ, ये पूरा मामला बलरामपुर जनपद के महाराजगंज त्राय रूप नगर गांव को बताया जा रहा है, जहाँ के जो पुराने रंजीत को लेकर जो पुराने प्रधान थे, जो मौजूद प्रधान थे, उसको गोली मार दिए है, या उनके घर वालों का कहना है। अभी पोस्टमार्टम चल रहा है, जो प्रधान जो जिसकी मौत हुई है, और वहीं जो एक घायल है उनका दवा इलाज मुमेरियल अस्पताल में चल रही है। वहीं अभी जब बलरामपुर जनपद के एसपी से बात की गई, वहीं अपर पुलिस अधीक्षक से बात की गई, तो उन्होंने बताया है कि अभी हल्की गोली का अभी नहीं पता चल पाया है, लेकिन पोस्टमार्टम होने के भी बाद पता चलेगा। लेकिन बलरामपुर जनपद में बात की जाए तो यहाँ बदमाशों के हौसले बुलंद है। ये दूसरा प्रधान की हत्या है, इससे पहले भी एक महिला प्रधान की को गोली मारकर मार दिया गया, उसका अभी तक खुलासा नहीं हो पाया। अमित, जिस तरीके से रंजिश की बात कर चल रही है, तो किस बातों को लेकर ये रंजिश चली आ रही थी? ये अभी तो बात पूरा पता नहीं चल पाया है, क्योंकि जो आरोपी हैं वो फरार हैं, लेकिन जो गांव में हैं लोग बात कर रहे थे कि चुनाव को लेकर हुआ है, ये प्रधान जो चुनाव थे ये जीत गए थे और वो हार गया था, इसी को लेकर विवाद चल रहा था काफी समय से। लेकिन इस पर पहले से पुलिस को कार्रवाई करना चाहिए था, लेकिन इसी ये जब कार्रवाई नहीं हुआ तो आज गोली चली और ये प्रधान जो था मौजूदा उसकी मौत हो गई और ये घायल हो गया जो उसका साथी था। अमित, ये रंजिश काफी समय से, कितने समय से ये रंजिश चली आ रही थी? अब ये जानकारी भी नहीं मिल पा रहा है, ये हम ये जानकारी मिली है कि चुनाव को लेकर ये हुआ है पुरानी रंजिश। जी, बहुत बहुत शुक्रिया अमित हमारे साथ इस खबर पर जुड़ने के लिए। जनसत्ता दल की जनसेवा संकल्प यात्रा का देवरिया में विभिन्न स्थानों पर भव्य स्वागत किया गया। पार्टी के जिला अध्यक्ष पंकज सिंह ने मोहम्मद फिरोज सहित कार्यकर्ताओं की तरफ से भव्य स्वागत किया। जन स्वागत के पश्चात बैकुंठपुर में जनसभा का आयोजन किया गया, जिसके मुख्य अतिथि राष्ट्रीय प्रधान, महासचिव, पूर्व सांसद शैलेन्द्र कुमार पासी और विशेष अतिथि ब्रिजेश सिंह राजावत मौजूद रहे। सभा को संबोधित करते हुए मुख्य अतिथि शैलेंद्र कुमार पासी ने कहा कि जब से 2018 में लखनऊ के रमाबाई पार्क में पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष रघुराज प्रताप सिंह की ओर से जनसत्ता दल लोकतांत्रिक पार्टी का गठन किया गया है, तब से पार्टी राजनीतिक से नहीं सेवा नीति का कार्य कर रही है। जनसत्ता दल लोकतांत्रिक पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री रघुराज प्रताप सिंह राजा भैया जी का पूरे प्रदेश का दौरा हुआ और इसी कारणवश रोमांचल का दौरा नहीं हो पाया। देवरिया के जो हमारे जनसत्ता दल के तमाम पदाधिकारी और पार्टी के कार्यकर्ता हैं, उनको मैं धन्यवाद देना चाहूँगा कि जनसेवा संकल्प यात्रा को और धार और तेजी देने के लिए उन्होंने प्रयास किया, उसके लिए मैं बहुत बहुत उनका आभार व्यक्त करता हूँ। मेरे साथ प्रदेश अध्यक्ष किसान यूनियन श्री बलवीर सिंह जी, प्रदेश महासचिव श्री ब्रजेश राजावत जी और मंडल प्रभारी हमारे विनीत जी और विनीत जी भी हैं और तमाम जिले के और भी अध्यक्ष हमारे साथ चल रहे हैं। 2022 के विधानसभा के चुनाव में जनसत्ता दल लगभग सभी सीटों पर चुनाव लड़ाएगी जोरदार तरीके से। मेरे ख्याल से यहाँ के मंडल प्रभारी विनीत जी हैं और हम लोगों ने पार्टी की बदायूं के आलापुर थाना क्षेत्र में गाड़ी सवार कुछ बदमाशों ने हरियाणा के दो युवकों को बंधक बना लिया। युवकों को बंधक बनाकर गाड़ी सवार लोगों ने लूट को अंजाम दिया और तमंचे के बल पर बदमाशों ने वारदात को अंजाम देकर भागने की कोशिश की, लेकिन मारपीट और चीख पुकार की आवाज सुनकर पेट्रोल पंप के पास खड़ी डायल 112 ने पीछा करते हुए गाड़ी सवार छात्रों को पकड़ लिया। अब छात्र बदमाश पुलिस की हिरासत में है और इस मामले की आगे की जाँच की जा रही है।
प्रियंका गांधी के नारे के साथ मैं लड़की हूं लड़ सकती हूं युवाओं को वोट बैंक बढ़ाने के लिए झांसी में मैराथन का आयोजन किया गया जिसमें सिर्फ लड़कियां ही दौड़ सकती थी। इस मैराथन की शुरुआत मुक्ताकाश मंच से की गई थी जिसमें 5 किलोमीटर की चक्कर लगाकर वापस आना था। आपको बता दें कि युवाओं को आकर्षित करने के लिए इनाम के तौर पर स्कूटी मोबाइल फोन भी बांटा गया लेकिन इनका कार्यक्रम लेकर जानकारी दी गई कि यहाँ पर कोरोना के नियमों का पालन नहीं हुआ और कोरोना के नियमों की जमकर धज्जियां उड़ाई गई। और इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ हमारे संवाददाता आलोक हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। तो आलोक क्या कुछ जानकारी मिल पा रही है, आखिर किस तरीके का कार्यक्रम था आज? दरअसल ये कार्यक्रम था कांग्रेस द्वारा चलाया गया जो मैराथन जो रेस थी, दरअसल ये युवाओं का वोट बैंक को साधने की एक प्रक्रिया थी जिसको झांसी में आयोजित किया गया जिसमें 3 जिलों के लोग आए हुए थे, झांसी, ललितपुर और जालौन। तो इसमें दरअसल हुआ ये कि इन्होंने एक साथ जहां ओमिक्रोन का लगभग भारत में आना हुआ उसी के साथ साथ ये कांग्रेस की ये जो चलाई गई मैं लड़की हूँ लड़ सकती हूँ इसके साथ मैराथन का जो आयोजन किया गया इसमें एक साथ बहुत बड़े स्तर पे लोग आ चुके थे। 5 से 10 हजार की जो तादाद थी लड़कियों की वो एक साथ शाम सुबह 7 बजे झांसी में दिखाई दी गई। साथ में लड़कियां थी, कितने लोगों की ये रैली हुई है? ये रैली नहीं थी, ये दरअसल 5 से 10 हजार का अनुमान लगाया जा रहा है। इस पे काफी बड़ा स्तर पे था, जगह बहुत छोटी पड़ गई जहाँ पर ये लोग इकट्ठे हुए थे। अच्छा आलोक, जिस तरीके से इसमें बोला जा रहा है कि इसमें पुरस्कार के तौर पर स्कूटी और मोबाइल वगैरह दिए गए हैं तो कितने प्रतिभागियों को ये दिया गया है? दरअसल ये जो जानकारी मिली है उसके हिसाब से बताया गया कि जो शुरुआती 4 लोग हैं उनको स्कूटी देने की बात की गई थी और बाकी बाकी के जो 25 लोग हैं उनको मोबाइल फोन दिया गया है जिसकी कीमत 20,000 रुपए अनुमानित लगाई जा रही है और बाकी के जो 100 लोग हैं 100 लोगों को जो हैंड डिजिटल बैंड है वो दिया गया। बाकी के जो लोग हैं 1,000 तक उनको मेडल दिया गया, बाकी 1,000 के ऊपर के जो लोग हैं उनको सर्टिफिकेट और टी शर्ट जो है सभी को फ्री दी गई है। जी बहुत बहुत शुक्रिया आलोक हमारे साथ इस खबर पर जुड़ने के लिए। कानपुर में इज्मा पॉली क्लिनिक एंड केयर सेंटर हलीम कॉलेज चौराहा के पास आज जनता के लिए फ्री स्वास्थ्य परीक्षण शिविर का आयोजन किया गया जिसमें शुगर के विशेषज्ञ डॉक्टर यूके मिश्रा ने कैंप में आए सभी मरीजों को मुफ्त परामर्श दिया। साथ ही दैनिक काम और खान पान से कैसे शुगर को कंट्रोल करें और दवाओं की संख्या कैसे कम करें उसके बारे में विस्तृत जानकारी दी। साथ ही साथ टाइप 2 डायबिटीज को कैसे रिवर्स करें उसके बारे में भी जानकारी दी। वहीं कैंप में आए 150 मरीजों की मुफ्त शुगर की जांच, हड्डियों में कैल्शियम की जांच और यूरिक एसिड हीमोग्लोबिन की जांच भी आदि में फ्री में की गई। जरूरतमंद मरीजों को फ्री में दवा वितरित की गई और जनता को जागरूक कर कैल्शियम और डायबिटीज के बारे में भी बताया गया। सर्वप्रथम तो मैं आप मीडिया बंधुओं का बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूंगा कि आपने अपना अमूल्य समय इस छोटे से कैंप में दिया। आज प्रोग्राम ये था कि इज्मा पॉली क्लिनिक में हम लोग जो समाज में फैली एक डायबिटीज़ और हाइपरटेंशन नाम की दो क्रोनिक बीमारियां हैं उनका हम लोग स्क्रीनिंग कर रहे थे जिससे कि जो समाज में जो लोग चेकअप नहीं कराते हैं या डरते हैं कि भाई हम शुगर की जांच करा लेंगे या बीपी चेक करवा लेंगे तो बढ़ आएगा तो वो टेंशन कर लेते हैं, तो उसी चीज़ को हम लोग यहाँ पे स्क्रीन कर रहे थे कि पब्लिक से ज़्यादा से ज़्यादा हम। सीतापुर के थाना महमूदाबाद क्षेत्र में एक एसटीएस नाम की प्राइवेट बैंक सैकड़ों लोगों को जमा कर पैसे लूट कर फरार हो गई। सरौली में रहने वाले कई लोगों का आरोप है कि हम लोगों ने मेहनत मजदूरी करके पैसे एसटीएस नामक बैंक में जमा कर रहे थे लेकिन अचानक पता चला कि रातों रात कंपनी सारा पैसा लेकर फरार हो गई है। आपको बता दें कि एसटीएस बैंक की शाखा बेहमा चौकी पर स्थित थी जहाँ से शाखा में अब ताला लटका रहा है जिससे पीड़ित लोगों ने क्षेत्रीय थाना महमूदाबाद के नाम एक IGRS की थी जहां रामपुर कला थाना के फॉरवर्ड किया गया था। वहीं खाता धारकों का आरोप है कि कोई भी अधिकारी पीड़ितों का हाल पूछने वाला अभी तक नहीं पहुंचा है और पीड़ितों ने एसटीएस नामक प्राइवेट बैंक के अधिकारियों सहित पुलिस विभाग के अधिकारी से कोई भी कार्रवाई नहीं कर रहे हैं।
बुलंदशहर में ग्रेटर नोएडा से लूटी गई डबल बैरल बंदूक को पुलिस ने बरामद कर लिया है, जहां पुलिस ने डबल बैरल बंदूक के साथ लुटेरे को भी गिरफ्तार किया है। शातिर आरोपी के कब्जे से पुलिस ने दो कारतूस और एक कार को भी बरामद किया है। इसी के साथ पुलिस ने यह भी बताया कि गिरफ्तार बदमाश का एक साथी फरार है, जिसकी तलाश की जा रही है। देखिए, पूरे जनपद में रात के समय संदिग्धों की तलाशी चेकिंग का अभियान चलाया जा रहा है। इसी क्रम में बीती रात लगभग 10 बजे के आसपास थाना प्रभारी शिकारपुर और उनकी टीम के द्वारा अपने थाना क्षेत्र में वाहनों की तलाशी चेकिंग की जा रही थी, और इसी आकस्मिक चेकिंग के दौरान एक अदर सेंट्रो कार की तलाशी ली गई, तो उसमें एक लाइसेंसी बंदूक मिली है डबल बैरल की, जिसमें जंजीर बंधी हुई थी। संदेह के आधार पर और जब उसका लाइसेंस जो नंबर इसका था वो नेट पर सर्च किया गया, तो ज्ञात हुई कि ये बनारस के कैंट थाना क्षेत्र की है। वहाँ से संपर्क किया गया तो और प्राप्त जानकारी के आधार पर ये पता चला कि जिस व्यक्ति की ये गन है वो नॉलेज पार्क थाना क्षेत्र गौतम बुद्ध नगर नोएडा में गनर के रूप में एक सोसाइटी में काम करता है, और 24/25/12 की रात में कुछ अपराधियों के द्वारा उसकी ये बंदूक लूट ली गई थी, जिसके संबंध में लूट का मुकदमा नॉलेज पार्क थाना में दर्ज है और वहाँ की पुलिस को भी सूचना दे दी गई है। एक अभियुक्त जो कार का मालिक भी है और शिकारपुर थाना क्षेत्र का रहने वाला है, प्रवीण पुत्र मुरारी लाल जानीपुर कला गांव का है, ये गिरफ्तार किया गया है। इसके कब्जे से गन बरामद हुई है। क्योंकि शुरुआती दौर में बहुत ज़्यादा इस तरह की आशंका नहीं थी कि ये लूट की बंदूक होगी, तो उसी का लाभ उठाते हुए जो गाड़ी में दो अन्य लुटेरे थे। बुलंदशहर में नगर कोतवाली पुलिस ने बड़ी सफलता हासिल की है, जहां नशे के मादक पदार्थों की तस्करी करने वाले दो छाते तस्करों को पुलिस ने धर दबोचा है। नशे के सौदागर पर पुलिस शिकंजा कस रही है। पकड़े गए छात्रों के पास से पुलिस 1,10,00,000 रुपए कीमत की 1 किलो स्मैक और 36 किलो गांजा भी बरामद किया गया। पुलिस ने खुलासा करते हुए बताया कि तस्कर कई राज्यों के साथ साथ NCR में सटे अन्य जनपदों में भी मादक पदार्थ की तस्करी करते थे। पुलिस ने बताया कि नशा तस्कर पर 15 मुकदमे पहले से दर्ज हैं। देखिए, एक बहुत ही उल्लेखनीय रिकवरी और अभियुक्तों की गिरफ्तारी ASP शशांक के नेतृत्व में कोतवाली नगर पुलिस के द्वारा की गई है, जिस टीम को ASP साहब लीड कर रहे थे, और इसमें दो अभियुक्त गिरफ्तार किए गए हैं। एक मोहन वर्मा है, जो गाजियाबाद विजयनगर का रहने वाला है, मेन सप्लायर है। दूसरा आबिद है, जो कोतवाली नगर थाना क्षेत्र का रहने वाला है। ये अंतर्राज्यीय स्तर के ड्रग तस्कर हैं। मध्य प्रदेश से बांदा खेड़ी से, ये मंसूर जनपद में है मध्य प्रदेश के, और मंदसौर में, वहाँ से लाते हैं, और इनकी सप्लाई दिल्ली से लेकर के NCR के कई जनपदों में है। इनके कब्जे से 1 किलोग्राम स्मैक व 36 किलोग्राम गांजा, जिसकी कीमत लगभग 1,10,00,000 रुपए बाजार मूल्य की है। इनके पास से 1,05,000 रुपए की नकदी भी मिली है, जो इस मादक पदार्थ की बिक्री से प्राप्त है। एक बोलेनो गाड़ी इनके कब्जे से मिली है, और पुड़िया बनाने के कागज़ हैं, पैकिंग वाली पॉलिथीन है, सिल्वर फाइल है जिसपे रख करके। खबर रायबरेली से है, जहां एक तरफ योगी सरकार ने हर घर जल पहुंचाने का संकल्प लिया है, तो वहीं रायबरेली के जल निगम के अधिकारी की लचर कार्यशैली से 3 महीने बीत जाने के बावजूद जलपूर्ति नहीं हो पा रही है, जिसे 1,500 आबादी में पानी के लिए हाहाकार मचा हुआ है, और शिकायत करने पर के बावजूद जिम्मेदार अपनी कर्णी नींद से जागने को तैयार नहीं। ग्रामीणों का कहना है कि परेशानी के बाद भी समस्या का हल नहीं हो पाया है, और इसी के साथ ग्रामीणों ने कार्रवाई न होने से DM कार्यालय के सामने जाकर धरना प्रदर्शन देने की बात कही है। समस्या यही है कि भैया 3 महीने हो रहे हैं और ये जल निगम का पानी नहीं आ रहा है, हम लोग बहुत परेशान हैं, बहुत दूर से पानी लाना पड़ता है। तो क्या इसकी शिकायत आपने किया है? हाँ, कई जगह शिकायत की गई है, लेकिन कोई सुनवाई नहीं हो रही है। भैया क्या करेंगे, धरने पर बैठ जाएंगे जब यहाँ जाके, और क्या करेंगे, हम लोग बहुत परेशान हैं पानी के बगैर। इस नल का कोई क्या शुल्क भी लिया जाता है आपसे? हाँ, पानी के इसके चार्ज मांगने के लिए लोग आते हैं,
मतलब पानी नहीं आया और शुल्क मांगा जा रहा है। हाँ, शुल्क मांगा जा रहा है, हम लोग बहुत परेशान हैं। ये देखिए पानी खोलते हैं, पानी आ नहीं रहा है, लगभग 3 महीने होने को आ गए हैं। किस चीज का कनेक्शन है ये? और ये जल निगम का कनेक्शन है, और बिल लेने के लिए तो आ जाते हैं, हर महीने बिल लेने के लिए आ जाते हैं, और पानी 3 महीने से नहीं आ रहा है। इसकी शिकायत किया कहीं आपने? शिकायत इसकी डीएम एसडीएम तक किया हम लोगों ने, और अखबारों में इसकी प्रतिलिपि भी दिया शिकायत की, लेकिन कोई सुनवाई नहीं हुई। संबल के थाना हयात नगर क्षेत्र के गांव असलमपुर में दबंगों के हौसले बुलंद दिखाई दे रहे हैं। हयात नगर पीड़ित ने बताया कि उसके खेत में फसल है और गांव के ही दबंग लोगों को बच्चों ने फसल को बर्बाद कर दिया। पीड़ित ने बच्चों को डराते धमकाते हुए कुछ गांव के लोगों से शिकायत भी की। इसी बात की भनक लगते ही दबंगों ने पीड़ित को धमकी दी। इसी बीच दबंगों ने पीड़ित की मोटरसाइकिल भी छीन ली। वहीं पीड़ित ने प्रार्थना पत्र देकर बताया कि मौके पर पहुंची पुलिस ने मोटरसाइकिल तो दिलवा दी, मगर 90,000 दिलवाए नहीं है। फिलहाल पूरे मामले पे पीड़ित न्याय की गुहार लगा रहा है। हमारा लेटर लोगों ने उजड़वा दिया है, पूरा खेत लोग हमारा उजड़वा रहे हैं। अगर हम कुछ कहेंगे तो ये लोग हमको मार देंगे। जरा सी बात पर लोग बंदूक और तमंचे लेने के आ जाते हैं। इन पर बहुत अवैध हथियार है इन लोगों पे, अभी तक इन पर कोई कार्रवाई नहीं हुई है। हमने पीछे भी कई बार शाहजहांपुर में एसओजी व रोजा पुलिस के हाथ बड़ी सफलता हाथ लगी है, जहां संयुक्त टीमों ने कई जनपदों में कई घटनाओं का खुलासा किया। पुलिस ने सल्लिया भट्ट मोहम्मदी रोड छात्र को गिरफ्तार किया है, जहां भारी मात्रा में चोरी किए गए सोने और चांदी के आभूषण के साथ कारतूस असला भी बरामद किया है। एसओजी शाहजहांपुर और थाना रोजा पुलिस की एक संयुक्त अभियान में कल नकबजनों के एक सक्रिय गिरोह को गिरफ्तार कर उनके कब्जे से भारी मात्रा में सोने और चांदी के आभूषण जो विभिन्न घटनाओं से संबंधित हैं, और इसके अलावा दो अवैध असलहे कारतूस सहित और एक इनोवा कार जो ये घटनाओं में कारित करने के लिए प्रयोग करते थे, ये बरामद करते हुए इसके सरगना से उनको गिरफ्तार करने में सफलता प्राप्त हुई। इसका नाम बाटा है, जो थाना मिर्जापुर जनपद शाहजहांपुर का है। इसके 4 साथी और गिरफ्तार किए, जिनमें से 2 थाना मदनापुर क्षेत्र। उत्तर प्रदेश की अब तक की खबरों में फिलहाल बस इतना ही, और देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए प्राइम टीवी। नमस्कार। आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार।